असल दोस्तों कैसे सब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों टैबलेट एल्प के बारे में। एल्प टैबलेट 0.5 mg किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके जो है ना यूजेस क्या क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन सी खवातीन या कौन से मरीज़ जो कि टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, और कौन से खवातीन या मरीज़ ऐसे पेशेंट जो कि इस टैबलेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें। अच्छा दोस्तों, बात हो रही है कि टैबलेट एल्प के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि टैबलेट एल्प जो है ये किस कंपनी की है, इसका जो है ना कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी जो है ना सॉल्ट क्या है। एल्प टैबलेट है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी, इसका जो सॉल्ट है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, ये एल्प्राजोलैम टैबलेट है। ठीक है दोस्तों, एल्प्राजोलैम इसका जो है ना सॉल्ट है, इसका जो है ना कॉम्पोजिशन है। अगर इसको आपको बताया जाए कि ये कौन सी ड्रग्स है, ये दोस्तों साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स है। ठीक है दोस्तों, साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स है, ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि नशा आवर अद्वियात होती है, जिनको नींद नहीं आती है। ठीक है, या इनको जो है ना ऐसे मरीज जो कि किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, या अगर उनकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म कोई हादसा पेश आ जाए, रात को उनको नींद का ना आना, उनको बेचैनी होना, घबराहट होना, बार बार उस जो है ना क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स के जो उनके क्या कहते हैं लाइफ में हो जाते हैं, बार बार जहन में आ जाना, ठीक है, रात को नींद का ना आना। ठीक है, इसके मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ, तो इसके जो है नींद का ना आना, इंसोमनिया जिसको नींद बहुत कम आती है, रात को जो है बेचैनी हो जाती है, रात को अक्सर दो जन उठ उठ के बैठते हैं, करवटें चेंज करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, तो ये एल्प्राजोलैम टैबलेट जो है ना इस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे कौन सी खवातीन या कौन सी माएँ बहनें जो कि इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। ऐसी खवातीन जो कि हामला खवातीन हो, ठीक होगा दोस्तों, हामला खवातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, और वो औरतें जो कि दूध पिलाने वाली यानी कि बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें होती हैं, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आप अगर आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, तो दोस्तों ये जो टैबलेट होती है नशा आवर अद्वियात होती है, इसका जो है ना आपने खुद से यूज़ नहीं करना है। इस टैबलेट का आपने खुद से यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप अगर आप खुद से यूज़ करेंगे तो इससे जो है ना आपको हैबिट बन जाएगी, इसकी आपको टैबलेट का आपको आदत बन जाएगी। इसकी जो डोज मेंटेन करते हैं वो डॉक्टर साहबान जो होते हैं, वो इस डोज का वो मेंटेन करते हैं, तो इस डोज मेंटेन करने के लिए आप जो है किसी भी करीबी डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, अगर आपका सीरियस कंडीशन है तो आप एक आधी टैबलेट जो है रात को सोने से पहले आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप जो है डॉक्टर के मश के बगैर बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर इसके साथ साथ आपको साइड इफ़ेक्ट आपको बताता चलूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर ऐसे दो जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइविंग का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइविंग के दौरान जो है ना आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो है गनूदगी आती है, ठीक होगा, डिजीनेस होती है, और चिड़चिड़ापन भी बाज़ात आ जाता है, और जो है वोमिटिंग, क्या कहते हैं, पेट में दर्द और मसल्स क्रैम्स इसके साथ हो सकते हैं। तो इसके आपने जो है ना इसका साइड इफ़ेक्ट्स इसका आपको मैंने बता दी। इसके दोस्तों साइड इफेक्ट ये है कि आप मैंने इसको ज़्यादा मुतवातर इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने यूज़ करना भी है तो डॉक्टर के हदायत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके साइड इफेक्ट आपको मैंने बता दी है। दौरान ड्राइविंग के दौरान आप इस टैबलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। एल्प टैबलेट है, एल्प्राजोलैम की है, हिल्टन फार्मा कंपनी की है। इसके मैंने आपको इंजेक्शन भी बता दिए, इसके आपको मैंने यूज़ बता दिए, इसके जो है ना आपके मैंने नुकसान भी बता दिए हैं, और इसके साथ ऐसी कौन सी खवातीन माएँ बहनें हैं जो कि इस्तेमाल नहीं कर सकती, कौन सी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये थे दोस्तों आज की टैबलेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अल्लाह हाफिज़।